अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ अपने ड्रेस जो है ना वो शेयर करने लगी हूँ। ईद के लिए जो मैंने ड्रेस बनवाए हैं वो सारा कुछ दिखाने लगी हूँ, और मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई ये दिखाती हूँ। यार, सारे के सारे ड्रेसेस का बेड़ा गर्क कर दिया मेरी दर्जन ने। कोई भी ड्रेस जो है ना, एक भी वो सही नहीं बना। एक तो ऑलरेडी जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 ड्रेसेस बनाए थे, 2 जो थे वो मैंने कैजुअल रखे थे और एक जो था ना थोड़ा सा सही रखा था। तो बस तीनों का ना बेड़ा गर्क उसने कर दिया। और मुझे समझ नहीं आती, जब लोगों को काम का पता नहीं है तो काम लेते क्यों है यार, क्यों करते हैं? खैर, क्या हुआ मेरे साथ, चले वो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में दिखाती हूँ अपने ड्रेसेस, और उसके बाद ना आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करती हूँ कि क्या बताया था, क्या किया और क्या नहीं। सबसे पहले जी मेरा ये वाला ड्रेस, जेकवार्ड नहीं होता बनारसी टाइप का लोन पे, ये वो वाला ड्रेस है, ये देखें। और ये था लोन का, और आप लोग इसका ना ये प्रिंट चेक करें कितना अच्छा है। बिल्कुल क्लोज करके दिखाती हूँ, सारा ऐसे दामन बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसका गला मैंने इसको बोला था, आजकल ऐसे गले चल रहे हैं ना जिसके दरमियान में 2 कट्स होते हैं, इस तरह रखना गैप वाला। तो उसने क्या किया जी, इसका गला चेक करें ज़रा, इतना बड़ा जो है ना हार्ट शेप इसके अंदर रह दिया है। अब मैंने इसको कहा इसको कवर करो, तो अब मेरे से ये नहीं समझ आ रहा, ग्रीन कलर का कपड़ा भी नहीं है, क्योंकि ग्रीन कलर का इसके साथ जो है ना वो शॉल है, दुपट्टा है, अब ग्रीन कलर का कपड़ा भी नहीं है। सेम कलर का अगर करेगी तो वो बिल्कुल बेकार लगेगा। सबसे पहले तो ये इसने गलती की, उसके बाद जो सेकंड इसने सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक की है ना, वो मैंने इसको बोला था कि आजकल जो चलती हैं लुप्स चलती हैं वो बना दे, और इसने ये देखे क्या किया है, लुप्स तो बना दी हैं लेकिन क्या चेपी के बगैर लुप्स बना के दी हैं, इसमें चेपी अटैच ही नहीं की, उस वजह से क्या इतनी रफ़ लुप्स लग रही हैं, इतनी ज़्यादा रफ़ लग रही हैं ना, क्या मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। इसके अंदर चेपी नहीं है, और कपड़ा तो आप लोगों को पता है अभी ये वॉश नहीं हुआ, वॉश होगा तो ये लुप्स का क्या हाल होगा आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं। मेरा तो कसम से इन ड्रेसेस को देख के ना बिल्कुल ही दिल टूट गया। न्यूसर तो मुझे इतना गुस्सा कर रहे थे, इतना गुस्सा कर रहे थे, बाजों का भी इसने यही बेड़ा गर्क किया है। हालांकि बिल्कुल सिंपल था, मैंने कहा था सिर्फ लुप्स लगा देना ताकि मेरी लेंथ लंबी हो जाए। अच्छा, लेंथ मैंने उसको कहा था मेरी तकरीबन ना तुमने रखनी है 48-49 रखनी है, मतलब मुझे फुल लॉन्ग जो थी ना वो शर्ट चाहिए थी, और ये फिर मेरे घुटनों तक है, मतलब इतनी ज़्यादा कम हो गई है। आजकल आप लोगों को पता है लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं, तो ये बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं है। अच्छा जी, खैर ये वाला एक ड्रेस ख़राब हो गया, कि शर्ट का आपने आज देख लिया, ये इसकी बैक साइड थी, और बैक पे भी मतलब ओवरऑल इसमें जो था ना बनारसी का सारा था, और कलर देखें, उसकी शॉल दिखाती हूँ, इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी थी, और मेरा ये फेवरेट वाला ड्रेस था, तो ये है भी यूसुफ की चॉइस का था, तो बस ये बेड़ा गर्क हो गया। ये इसकी शॉल है, शॉल चेक करें आप, कितनी प्यारी तो इसकी शॉल है ना, कलर चेक करें ना, कलर कॉम्बिनेशन इसका कितना प्यारा है। और इसके ऊपर मैंने ना सेम टू सेम ऐसी सारी, मतलब मैंने इसको ना पूरे का पूरा रोल जो था ना वो ला के दे दिया था, 15 अगस्त की जो लैस होती है, मैंने कहा था सारे दुपट्टे पे भी लगा देना चारों तरफ, और उसके बाद जी शर्ट पे भी लगा देना। अच्छा, इसके ट्राउज़र का भी उसने अपनी तरफ से अच्छा किया, पर देखें इसका भी क्या हाल, उसी तरह के लुप्स बना दिए, और उस वजह से ना सारा जो है ना सारे ख़राब हो गए, और इसमें 4-4 जो है ना इसको प्लेट्स डाल दिए। बहरहाल अपनी तरफ से उसने अच्छा किया, लेकिन खैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं उससे बना। अच्छा, उसके बाद जो मैं आप लोगों को दूसरा ड्रेस दिखाने लगी हूँ ना, ये कुछ बेहतर है, क्योंकि ये था ही सिंपल और ये सीना ही ऐसे था, ये कुछ बेहतर है, बल्कि ये मुझे फिर भी सही लगा है। ये देखे, ये इस तरह का है, ये सारी ओवरऑल इसके ऊपर सारी जो है ना इस पर एम्ब्रॉयडरी भी है, ठीक है, और ये नीचे इसका पैच था, पैच इसने ऐसे ही, मैंने इसको बोला था ऐसे ही लगाना है, इसी तरह काव्य से कट करके मैंने कहा था बस नीचे इसको तुमने लगा देना है। और इसके अंदर ना ब्रीक ब्रीक सीक्वेंस है, बहुत ही प्यारा ड्रेस है। और इसकी जो शर्ट है ना, मैं आप लोगों को क्लोज करके दिखाती हूँ, इसकी शर्ट पर ये देखें सेल्फ का प्रिंट है, और ये लोन का ड्रेस है, ठीक है, और इसकी कढ़ाई भी चेक करें कितनी नफीस है ना, और ये ब्रांड का ड्रेस था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। अच्छा, इसके कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, ग्रे के साथ पिंक सा शेड और पर्पल सा शेड, लाइट लाइट कलर है, और ड्रेस का कलर भी बहुत ज़्यादा लाइट है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके साथ प्लेन बाजू थे, तो फिर मैंने क्या किया, पिंक से कलर की इसके साथ जो है ना इसी तरह की जो हल्की सी लेस थी ना
पैच की तरह की वो लाई और इनके बाजों पे अटैच करवा ली, और घेरे दामन दामन पे नहीं बल्कि चाकों पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे बारीक सी ये वाली लैस लगवाई, ठीक है, ये वाली लैस। और एम्ब्रॉयडरी की वजह से इसका गला भी मैंने प्लेन ही बनवाया था गोल, तो बस ये सिंपल सा ड्रेस था, ये उसने फिर भी अच्छा सिला। अच्छा इसका दुपट्टा था ना वो भी बना बनाया था, इसके दुपट्टे में कोई कुछ नहीं लग करना था, इसके दुपट्टे पे ना चारों तरफ ये एम्ब्रॉयडरी वाला जो है ना पैच ऐसे लगा हुआ था बिल्कुल चारों तरफ, और प्लेन इसका जो था ना वो शिफॉन का, पता नहीं उसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, ग्रिप का कि शिफॉन का, बहरहाल ये कपड़ा मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है दुपट्टों में। एक तो कैरी करना भी ईजी है, अगर आप लोग हिजाब वगैरह करते हो ना तो हिजाब करने के लिए ना भी बेस्ट एंड बेस्ट होता है, इसके इतने मजे का हिजाब होता है, बल्कि मैं ईद पे स्पेशल आप लोगों के लिए ईद हिजाब ट्यूटोरियल भी लेकर आऊंगी, आप लोग चेक करना कि कितने औसम आला इससे हिजाब कैरी होते हैं। तो खैर एक था ये वाला ड्रेस, और एक इसके साथ जो है ना प्लेन थी, तो उसने यहाँ पे भी क्या किया है इस तरह एक लैस लगा के दो प्लेट्स डाल दी है। मैं तो मेरा लगता कोई ना बहुत ही ज्यादा फेमस वाला डिज़ाइन है, मेरे हर ड्रेस पे उसने प्लेट डाल दिए हैं और ये कर दिए हैं। अच्छा एक है जी ये वाला, ये मैंने लीलन का ड्रेस लिया था, मैंने कहा हमारे यहाँ पे सर्दी है अभी तक गई नहीं है, तो कल भी इतनी बारिश हुई है जिसकी वजह से आज भी मौसम ठंडा था, तो मैंने कहा हो सकता है कि फिर मुझसे लोन के ना पहने जाएँ, तो चलो एक जो है ना लीलन का बना लेती हूँ। ये था ये वाला ड्रेस, कलर बताना आप लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा, ये मैंने वैसे शौक कलर लिया हुआ था। अच्छा इसके ना गले पे ये सारी एम्ब्रॉयडरी है, उसके बाद जी इसके दामन पे ऐसे सारी एम्ब्रॉयडरी है, इसके नीचे ये पैच था, इसको मैंने कहा था पैच अलग से अटैच करना है, और इसके अंदर अटैच करने के लिए भी मैंने लैस दी थी जो कि उसने बिल्कुल नहीं की, बाजों में मतलब उसने कर दी है, ये देखे ना ऐसी लैस ना मैंने इसको, ये देखें ऐसी लैस ना मैंने इसको तकरीबन कितनी दी होगी, कोई 5 से 7 गज इसको ये लैस दी थी, मैंने कहा इस तरह इसको दामन पे ये वाला जो है ना पैच ये भी इस तरह इसको अटैच करना और इसके अंदर प्लेट्स डाल देना और फिर ये वाली लैस लगाना। खैर उसने सुना ही नहीं, तो ये बस बाजों पे ऐसे करके लैस अटैच करके तो बस इसने दे दी। आप फिर मुझे कह रही थी कि आप ही लाए मैं खोल देती हूँ, लेकिन मैंने कहा इतनी मेहनत करके मैं तुम्हें खोल के दूँ फिर तुम मुझे ठीक करके दो, अब क्या फ़ायदा, जो तुमने काम करना था और फिर जोड़ ढल जाएंगे जगह 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 जोड़ आ जाएंगे उसका क्या। और इसका ट्राउज़र चेक करें, इसका ट्राउज़र फिर भी कुछ मैं कहती हूँ काबिले कबूल है, बारीक बारीक से इसने कट्स बनाए हैं समोसे की तरह, और यहाँ पे इसने इस तरह स्ट्रेट से जो है ना वो स्ट्रिप्स लगा दिया, हालांकि मैंने इसको कहा था स्ट्रिप्स यहाँ से ऐसे ज्वाइन करके इनमें स्टोन लगा के ना तो इसको बहुत अच्छा सा मतलब एक बना देना टाइस सी जो बनती है, पर उसने नहीं बनाया, और इसमें भी दो उसने इस तरह लेसेस ऐड कर दी। मतलब ये वाला ड्रेस ना फिर भी कुछ काबिले कबूल है, कुछ फिर भी सही, इसके पोंचे अच्छे हैं, बाजू इसके मुझे कुछ अच्छे लगे हैं, लेकिन खैर अब। और इसका दुपट्टा ये ऊपर कलर की इसके साथ शॉल थी, और इसकी शॉल पर भी ना अच्छा इसके ना सारे मैंने ये लेस लगवाई थी। अच्छा अब आप लोगों ने ना मुझे कमेंट्स में बताना है कि मैं इनको खोलूँ, इनको ठीक करवाऊँ, या फिर इनको ऐसे ही रहने दूँ, क्या करूँ, इन ड्रेसेस के साथ ऐसे पहन लूँ, पहनने में अच्छे लगेंगे या ठीक है या नहीं, या फिर इनको कुछ चेंज करूँ, सारा कुछ आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। इसके बाद ये ड्रेस कैसे लगे आप लोगों ये आप लोगों ने बताना है, आप लोगों को अच्छे लगे कि नहीं, कौन सा ड्रेस आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ये मेरे तीनों दिन के ईद के ड्रेसेस थे, और शूज़ जो थे वो मैंने इसके साथ ऑफ वाइट कलर के कैरी करने हैं, वाइट कलर की जो स्लीपर भी है ऑफ वाइट कलर के भी हैं वो कैरी करूँगी, और इसके साथ गोल्डन कलर के पड़े हुए थे इसलिए मैंने वो नहीं लिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, अगर वीडियोज़ मेरी अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आप लोग नए हैं जल्दी से नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं चैनल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपनी शॉपिंग के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितनी की और कितनी रह गई, और आप लोगों के साथ भी कोई इस तरह का हुआ मसला कि नहीं। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।